खबर फरुखाबाद से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और थाना पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाला और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से सीएससी राजेपुर में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम जिला अस्पताल पहुंचे, साथ ही एसपी और सीएमओ ने घायलों के हाल जाने, चालक परिचालक से घटना की जानकारी भी ली गई। सर, एक कुतुलपुर के बाद रोडवेज टकरानी पेड़ से, कितने क्या घायल है, क्या स्थिति है? देखिए, इसमें जो कुल 10 यात्री थे, उसमें से 5 यात्री घायल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहिया में एडमिट हैं, और 2 इसमें ड्राइवर हैं, 1 कंडक्टर है। ये ड्राइवर कंडक्टर दोनों, ये तीनों जो है इंजर्ड, ये भी लोहिया अस्पताल में है। सर, कहाँ से कहाँ आ रहे थे बस, ये कहाँ जा रही? दिल्ली से जो हम बदायूं गई थी, वो बदायूं से जलालाबाद जा रही थी। जलालाबाद जा रहे थे। कुबेरपुर के पास रोडवेज बस पलटी है, जिसमें लोग घायल हो गए हैं। सर, देखिए, एक बस जो है बदायूं डिपो की थी, दिल्ली से आ रही थी और खरदू जा रही थी। रास्ते में लगभग 4 बजे के आसपास ड्राइवर को हल्का लगता है, पसंद डिस्चार्ज की उसकी नींद आ गई, एक पेड़ से टकराया गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, 3 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल थे, जिनको कि लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया है, उनका इलाज चल रहा है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां क्षेत्राधिकारी द्वारा जगह जगह बैरियर लगाकर पुलिस बल की दिन और रात में कांवड़ मार्गों पर तैनाती की गई। इसके साथ ही जनपद फिरोजाबाद की पीआरवी वाहनों द्वारा भी कांवड़ियों के जत्थे को स्कॉट और सकुशल बॉर्डर तक पार कराया जा रहा है, और सभी पीआरवी वाहनों द्वारा पीए सिस्टम के माध्यम से सभी शिव भक्तों को रोड पर किनारे चलने के लिए जागरूक किया गया। वहीं पुलिस टीम द्वारा विश्राम स्थलों के साथ साथ कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए उपचार हेतु मेडिकल कैंप और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र पाल सिंह है। सर, 3 साल से हमारे पूरे परिवार के खिलाफ आगरा वनस्थली विद्यालय के मालिक ने मुकदमा झूठा लगाया था, जबकि षड्यंत्र पत्रकारों का था, जो नकली पत्रकार बन के गए थे, रमेश सोलंकी, दीपक रावत और मुकेश शर्मा, इनका षड्यंत्र था। और हमारे एक परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा, चोरी और वो गलत काम करने की महिला से, ये सारे झूठा लगाया गया। तो उसके बाद सर, हम 9 महीने जेल काट के आए, और जो असली मुजरिम थे उनको थाने से ही छोड़ दिया गया। जो रमेश सोलंकी, दीपक रावत और मुकेश शर्मा थे, इन्हें थाने से ही छोड़ दिया था। अब सर, हम निर्दोष थे, हमने कुछ दिया नहीं तो हमें छोड़ा नहीं, हमें डाल दिया। हम 9 महीने जेल काट के आए, इसके बाद हमारे पीछे हमारे घर में घुसकर जो असली पत्रकार है, हमारी मैसेज ने पैरवी की, तो असली पत्रकार घर में घुसकर अभद्रता की और चरित्रहीनता की। आज जो है सर, हम डीएम साहब के हम मिलने जा रहे थे, तो वहां पे टोल टैक्स के बाद हम किसी होटल पर रुके थे, तो वहां पे जो है इन्होंने बाथरूम में जाके कुछ भी खा लिया, जो मुझे नहीं पता है, और एक गुड़िया दिखाई जा रही है कि ये था। क्यों खा लिया, क्या वजह रही? क्योंकि इन्हें 3 साल से कोई न्याय नहीं मिला, इनके नाम में FIR थी, वो भी झूठी थी। आप लोग वहाँ मंदिर पर कुछ दिन धरने पर? 7, आज 8वां दिन है सर, इन्होंने कुछ नहीं खाया, डॉक्टर साहब से चेक करा लीजिए, कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, 8वां दिन है आज। तो आज क्या खाया जो इनको आईसीयू में भर्ती कराया है? इन्होंने पॉइजन खा लिया है सर। ये प्रशासन लेके आए सर, मेरे साथ जो है पूरी मदद कर रहे हैं सर, और दवा भी खिला रहे। मेरे पास केवल 100 रुपए थे, सारी इलाज कराए प्रशासन करा रहे सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद। अच्छा सर, देखा गया है कि एक महिला लाई गई है आईसीयू में भर्ती, जी, बताया जा रहा है कि उसने जहर खाया, क्या मामला है? महिला का एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है हम लोग ने, महिला के वाइटल्स नॉर्मल है, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, कमांड फॉलो कर रही है, बाकी उसको हमने इनिशियल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी है कर दिया है, उसका गैस्ट्रिक लवाज कर दिया गया, उसमें किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या स्मेल नहीं आ रही है, बाकी हमने उसका सैंपल भी रखवा लिया, उसको केमिकल जांच के लिए भी भिजवा देंगे, बाकी अभी पेशेंट नॉर्मल है, हमने बात भी की उससे, बाकी उसके वाइटल्स भी वगैरह सब नॉर्मल है, बाकी हमने अपनी निगरानी में रख रखा है पेशेंट, कुछ भी होता है।
खबर वाराणसी से है, जहां बहेड़वा गांव के दबंग काश्तकार सालों से चकमार की सरकारी भूमि को खेत में मिलाकर फसलें उगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को आम रास्ते पर अवैध कब्जे के कारण तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान ने लेखपाल से पैमाइश कराकर चकमार्ग का मनरेगा मजदूरों से मिट्टी डलवाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया, तो कब्जाधारियों ने उसे बंद करा दिया। वहीं प्रधान ने अब इस दशकों पुराने विवाद के पटाक्षेप के लिए ब्लॉक तहसील और जिला प्रशासन से मदद मांगी। खबर सूरत से है, जहां पांडेसरा इलाके में से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मार्कशीट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। चार अपराधियों समेत कुल 155,000 के मुद्दे माल सहित गिरफ्तार किए गए, साथ ही एसओजी टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पुलिस कांस्टेबल सिकंदर बिस्मिल्ला और पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र दान गंभीर दान को सूचना मिली कि पांडेसरा पीयूष पॉइंट के बगल में शिवनगर सोसाइटी 30A प्लॉट नंबर 011 के दूसरे मंजिले पर सोलार कंप्यूटर नाम की दुकान में कितने ही लोग मिलकर जिस व्यक्ति के पास पहचान पत्र नहीं होते हैं उसे कंप्यूटर के माध्यम से फर्जी पहचान पत्र बनाकर दिया जाता था, जिसके तहत एसओजी के पीआईएपी चौधरी ने डमी ग्राहक भेजकर उसकी जांच करवाई और हकीकत की पुष्टि की और एक सफल छापेमारी का आयोजन करके टीम का गठन किया गया था। दुकान में छापेमारी करते वक्त अंदर अपराधियों को चाकूवाड़ी के पास पांडेसरा सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया।